हम मैंग्रोव्स का जो प्लांटेशन कर रहे हैं, 3 बार हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किया है, और हम एक नया फॉरेस्ट पॉलिसी भी बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही नासिर शाह साहब वो भी इंट्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन हमारा जो सर्टन एरियाज़ है जहाँ हम फॉरेस्टेशन कर सकते हैं और उस जगह को प्रिजर्व कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ ना हो और हम अपना एनवायरनमेंट को, अपना वाइल्ड लाइफ को और अपना नेचुरल सिन का फोना को, ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दिलवा सकते हैं, तो फिर ये हमारा एनवायरनमेंट के लिए उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म में हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐसे पॉलिसीज़ बने जहाँ हम लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व अपना एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में, अपना एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में, और इस किस्म के म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बनाएं जहाँ उनका भी, लोकल कम्युनिटी भी, कम्युनिटी का भी लोग थोड़ा सा कमाए हो, वो पैसा बना सके, जो इन्वेस्टमेंट हो यहाँ वो उनका फ़ायदा पहुँचाए, और फिर उसके साथ साथ वो अपने एनवायरनमेंट, अपने दरख्त का, अपना जंगल का, अपना एरियाज़ का ख़ुद प्रोटेक्शन भी करे। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। शॉर्ट टर्म में आज हम यहाँ हैं, क्या डायमेंशन है, 300 to 500 acres का बैमन का जो फॉरेस्ट है, जिसको हम ना सिर्फ प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं मगर और प्लांटेशन भी कर रहे हैं। नेचुरल जो हमारे स्पीसीज़ है, बर्ड्स है, उनको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ कुछ सालों बाद हमें इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। और साथ साथ हम लोकल कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए ये पार्क मौजूद होगा ताकि वो अपना तालीम और रिसर्च और सब कुछ कर सके। तो ओवरऑल ये हमारा सूबा के लिए, हमारा क्लाइमेट के लिए और लोकल्स के लिए इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। अगर आपका कोई सवाल होंगे सबसे पहले तो हम आपको सर सब सिंध के हवाले से जो आपने मुहिम का आगाज़ किया है, सिंध हुकूमत ने जो आगाज़ किया है वो शानदार आगाज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि फॉरेस्ट जिसको भुलाया गया था, जिसको छोड़ दिया गया था, फॉरेस्ट तबाह हो गई है, जिसकी वजह से हमारी सारी जो इन्वायरमेंट तबाह हो चुकी है। हम ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसके साथ इरीगेशन सिस्टम हमारा तबाह हाल है उस पर भी तवज्जो देंगे, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट वालों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब से माजी में फॉरेस्ट को जहाँ पे छोड़ा गया था, मुलाजिमीन जब 5 स्केल में वो भर्ती होते हैं तो 5 स्केल पे रिटायर होते हैं, उनके कोई सहूलत नहीं है, और उसके साथ साथ बहुत सारे कब्जे हैं। आप क्या समझते हैं सिंध हुकूमत उन तमाम 62 शख्सियात के कब्जे ख़त्म करा सकता है? ओके, तो जहाँ तक इरीगेशन का मसला है, पानी का जो एंडेमिक है हमारे यहाँ सिंध में और पूरा जो लोअर रायपुर एरियन है, वो एक स्ट्रक्चरल इशू है, और उसका हमें जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करना चाहिए। जो हमारी बस की बात है वहाँ हमें पूरा मेहनत करना चाहिए कि जहाँ हम प्रिजर्वेशन रिजर्वेशन कर सकते हैं वहाँ कर सकें, जहाँ चोरी हो रहा है वो चोरी रोके। लेकिन ओवरऑल अगर हमें अपना हक नहीं मिलेगा, इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी करता रहेगा, तो जब कम पानी होगा तो चोरी भी बढ़ेगा, नाइंसाफ़ी भी बढ़ेगा, और हमारे मुश्किलात भी भरेंगे। तो हमने इस पर बहुत से मेहनत करना है। कंबर शिदात कोर्ट के लिए हम टेल एंड पर हैं, यहाँ हमारे बहुत से पानी के मसले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी डीसिल्टिंग तो चल रहा है, लेकिन हमारा कोशिश ये होगा कि हमारा लाइनिंग हो, हमारा कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ताकि हम ये इसको काउंटर कर सके। लेकिन मैं समझता ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, जिस तरीके से जिस सतीला सलूक के साथ वफाकी हुकूमत से इनको ट्रीट कर रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं हमारे तरक्याती कामों में। जहाँ तक फॉरेस्ट का सवाल है, कब्ज़ा का सवाल है, मेरा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगा। मैंने नासिर शाह साहब को कहा है मुझे लिस्ट दे दो, और उस लिस्ट में सिर्फ हमारे मुखालफीन का नाम नहीं होने चाहिए, अगर हमारे पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कब्ज़े किए हैं, हम वो कब्ज़े वापस खाली कर देंगे, वापस लेंगे। ख़ास तौर पर जहाँ फॉरेस्ट का ज़मीन का ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ गरीब की बात आता है वहाँ पे मैं समझता हूँ, जहाँ मज़लूम का, गरीब का बात आता है वहाँ मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक अच्छा पॉलिसी होना चाहिए, अकोमोडेटिंग पॉलिसी होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको वीन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स
आप दे सकते हो, अगर वो खुद एक सर्टन प्रोपोर्शन का प्रिजर्वेशन करते हैं फॉरेस्ट का, फिर शायद उसके साथ साथ उनके उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ कब्जा की बात है वो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हर सवाल एक ही बंदा नहीं पूछ सकता, दूसरे को भी मौका दे वज़ीर-ए-आज़म ने घोटकी में जलसे के दौरान कहा है कि बिलावल साहब ने जो ट्रेन मार्च किया था वो नाकाम रहा है, और जो उनका जो ये जो भी था उसका ये विजन था कि उसको अपने बाप और खुशी को जो कोई आज़ाद कराना था, तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखो, एक तो मेरा ट्रेन मार्च था ही नहीं, मैंने तो बस घर आना था, लड़कानों आना था, और अब पाकिस्तान की आवाम को जो जोश, मोहम्मद और जज्बे के साथ हमें जगह जगह इस्तकबाल किया, हमारा मुखालफीन को भी मजबूर कर दिया कि वो हमारा ट्रेन का सफ़र को ट्रेन मार्च करा दे, कोई सियासी नाम या मकासद इसको दिलवा दे। मेरा मकसद, मेरा पर्पस इस मार्च का यह था कि मैंने घर आना था, हमारा सखर का एयर स्पेस जो है वो बंद है। जहाँ तक वज़ीर आज़म का एक्टिविटी है, मैं समझता हूँ कि उनका खौफ, उनका इनसिक्योरिटी वो तो सबके सामने है। अगर उसको हमारा ट्रेन मार्च के जवाब में, ट्रेन की सफर के जवाब में यहाँ आके जलसा करना पड़ रहा है, तो फिर मेरा ख्याल में वो उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट है, मेरे ऊपर कम। जी सर, मेरे क्वेश्चन दो पार्ट में हैं। सबसे पहले वो भी वज़ीर आज़म के ऊपर ही है, तो उन्होंने पहले तो स्टेटमेंट ये दिया है कि जो कि तो यहाँ पे एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट चलाई जा रही है वो ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, तो उन्होंने नाम तब्दील करने के हवाले से आमादी का इजहार किया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि 18वीं तरमीम की वजह से मुल्क के हालात मज़ीद बदतर हो चुके हैं, इस बात पर आपकी जरूरत? मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की सोच है, ये खान साहब की डॉक्ट्रिन है, मगर जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल उनका एक साजिश है कि उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना है। आपने देखा होगा कि हमारा सेवन में, हमारा थट्टा में औरतें एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ वैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनके पास, उनके साथ ज्यादती हो रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। ये लोग अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन लोग हैं, उनकी ज़हनियत ऐसा है, पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। ये समझते हैं कि उनका पैसा यहाँ ज़ाया हो रहा है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट इस्तेमाल है इस मुल्क का पैसा का, कि आप गरीब तरीन औरतों को कम पैसा दे के उनको, ना सिर्फ उनको मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, मगर आपका पूरा मुल्क का मीशत को बॉटम अप से ताकत दे रहे हो। इसलिए जब गरीब के पास पैसा आता है, फिर वो गरीब कुछ खरीदता है, उस पैसे से आपका मीशत में बेहतरी आता है। इनका सोच ये होता है कि हमने बस अमीर को और अमीर बनाना है और उससे मुल्क तरक्की करता है। हमारा ये नज़रियाती डिफरेंसेस है, हमारा नून लीग से, पीटीआई से। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, ये तो मैं, जैसे मैं बीआईएसपी का भी जिक्र करता था इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन से पहले, कि ये चाहते हैं, ये इनका डॉक्ट्रिन यही है कि वो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके चाहते हैं। ये ना लॉजिकली, ना जमहूरियत के लिए, ना आपका वफाक के लिए ये अच्छा होगा, ना आपका तारीख को, जो भी पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हो, पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ हो, कोई भी ये सजेशन, कोई भी सियासी बंदा ये सजेशन नहीं दे सकता है। कोई और भी करे, आपने कर लिया ना सवाल। देखो, मैं समझता हूँ कि पूरा कोशिश जारी है, पहले से जारी था, कि जो भी तब्दीली की हुकूमत का या पीटीआई की हुकूमत का मुखालिफ हो, क्रिटिक हो, उनका आवाज़ को दबाया जाए, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखे, एनजीओस से ताल्लुक़ रखे, या फिर उनके सियासी मुखालफीन हो, कोई जमातों पे ज़्यादा इफेक्टिव रहा, कोई जमातों पे कम इफेक्टिव रहा, मगर एम एक है। ये गैर जमहूरी रवैया है, ये आमिराना रवैया है, हम इसको कंडेम करते हैं। हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, जमहूरियत में फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और जब आप अपोजिंग व्यू का मौक़िफ मिलता है, फिर मैं समझता हूँ कि दो टू डिफरेंट ओपिनियंस आर गिवन, हम एक बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम एक दूसरे के अपोज करते हैं, तो हम अच्छा मौक़िफ
اس سے کمپرومائز کر کے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ان کا سوچ یہ نہیں ہے. ان کا سوچ ایک غیر جمہوری سوچ ہے جو کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, مجھے جانا ہے. تھینک یو سو مچ. ایک نظر آتی بلال صاحب. 24 نیوز.